तो अगले 24 घंटे हम सर्वाइव करने वाले हैं इस लग्जरी ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर। तो इस ट्रांसपेरेंट हाउस को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलता फिरता ट्रांसपेरेंट हाउस। और अगले 24 घंटे हम इसी ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर सर्वाइव करने वाले हैं। तो भाई अपने ट्रांसपेरेंट हाउस में जाने के लिए यहाँ पर आप देखो भाई, ये है एक छोटी सी सीढ़ी और फिर फ्रंट के अंदर ये ट्रांसपेरेंट गेट मिल जाता है। और अंदर से आप देखिए भाई कितनी ज्यादा स्पेस है यहाँ पर। भाई ऐसा नहीं है कि जो ये अपना ट्रांसपेरेंट हाउस है वो दोस्तों काफी ज्यादा छोटा है। यहाँ पर आप देखो भाई फुल स्पेस है, फुल स्पेस। इस साइड में देखो ये दो सोफे लगे हुए हैं और इसके अलावा भाई यहाँ पर देखो ये बड़ा वाला सोफा और इसके पीछे है भाई कंबल वगैरह, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो भाई सर्दी के कारण हम इसी के अंदर ना मर जाए। तो यहाँ पे आप देखो भाई ये दो कंबल है जिसकी मदद से हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये लगी हुई है एक बड़ी वाली एलईडी जिसके ऊपर हम आराम से मूवी वगैरह देखेंगे और यहाँ पर भाई टाइम पास करेंगे, वरना तो टाइम पास होगा ही नहीं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये लगा हुआ है एक इन्वर्टर जिसकी मदद से रात में मस्त वाले नजारे दिखने वाले हैं। यानी कि हमने गाइस इस ट्रांसपेरेंट हाउस में दबा कर लाइटिंग की है। देखो भाई कितनी सारी हमने लाइट वगैरह लगा रखी है, तो नाइट होते ही इस इन्वर्टर की मदद से हम ये सारी की सारी जो लाइट है वो दोस्तों ऑन कर देंगे और फिर देखने वाले हैं कि यार इस ट्रांसपेरेंट हाउस का जो नजारा है वो रात में कैसा होता है। बाकी यहाँ पर देखो भाई ये है अपना छोटा सा की चांद और ये अपने को बीच में थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। ओए चलाए अपने ट्रांसपेरेंट हाउस को। तो गाइस अब अपने ट्रांसपेरेंट हाउस को हम चलाने वाले हैं और लोगों के रिएक्शन देखने वाले हैं कि यार इस ट्रांसपेरेंट हाउस को देखकर लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपना ट्रैक्टर है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और भाई साहब जो अपना ट्रांसपेरेंट हाउस है वो दोस्तों बन चुका है चलता फिरता ट्रांसपेरेंट हाउस। और देखो भाई कितना अमेजिंग लग रहा है भाई, भाई साहब देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई। और ये दोनों पता नहीं भाई किसमें लगे हुए हैं। अरे यार ये कौन सा फर्जी लूडो खेल रहे हो? इंडिया का अपना गेम खेलो, झुप्पी लूडो 7 करोड़ रियल प्लेयर के साथ। इंडिया का अपना गेम? हाँ इंडिया का अपना गेम जहाँ पर तुम अपनी स्किल से लाखों जीत सकते हो और 5 से 10 मिनट में तो यहाँ पर पूरा गेम भी हो जाता है। यार हमें भी खेलना है, इसमें तो पैसे चाहिए होंगे। और इसको डाउनलोड कैसे करें? अरे यार 1 रुपया ही तो डालना है, बाकी 10 रुपए का तो साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। और डाउनलोड करना भी बहुत ईजी है, झुप्पी.com से डाउनलोड करो और खेलो। और हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप भी डाउनलोड करके खेल सकते हैं। चलो सब साथ में खेलते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पैसे जीतता है, ठीक है? Okay. तो गाइस अभी हम कर रहे हैं झुप्पी लूडो चैलेंज। तो यहाँ पर ये मेरा लूडो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस इनका भी गेम स्टार्ट हो चुका है यार। और ये देखो भाई ये अपना लूडो स्टार्ट हो गया, अब मैं जीतूंगा पैसे। Yes, देखा मैं जीत गया ना 50,000। अब ये पैसे तो जीत लिए, लेकिन अब करेंगे क्या? ये पैसे मिलेंगे थोड़ी ना? मिल जाएंगे इजीली। तुम अपने जीते हुए पैसों को इंस्टेंट UPI के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो सीधा बैंक अकाउंट में। और हाँ साथ में इजी डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विड्रॉल है। झुप्पी है 100% सेफ एंड सिक्योर। यहाँ पर TDS रिफंड और GST कैशबैक भी है। मतलब TDS और GST कटेगा बट कैशबैक मिल जाएगा पूरा का पूरा। वाह यार ये तो बढ़िया है। तो भाई आप किसके इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाओ झुप्पी लूडो डाउनलोड करो और हमारी तरह पैसे कमाओ। और यहाँ पर गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स है वो दोस्तों हम करने वाले हैं अनबॉक्स। यहाँ पर भाई हम सबको एक एक मिस्ट्री बॉक्स मिल चुका है और इस मिस्ट्री बॉक्स की मदद से हम सर्वाइव करने वाले हैं 24 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, ओए खाने पीने की चीजें इसके अंदर ही है, बाकी हम ना ही कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। ओपन कर, ओपन कर। तो गाइस यहाँ पर है ना सबसे पहले करने वाला है किशोर अपने मिस्ट्री बॉक्स को ओपन। देखते हैं कि यार इसके मिस्ट्री बॉक्स में क्या क्या निकलता है। मेरे तो कुछ खराब चीजें निकली। अरे वाह क्या निकला, क्या निकला? बल्ले बल्ले पानी की बोतल। गाइस पानी की बोतल निकली है। यहाँ पे आप देखो गाइस किशोर के क्या क्या निकला है। ये दो वेफर्स निकले। और यहाँ पे आप देखो गाइस ये 5 रुपए वाली आमरस निकली है, इतनी छोटी सी है। और यहाँ पर ये 5 स्टार है 10 रुपए वाली, ये सामान निकला है। यहाँ पर गाइस मोनू का मिस्ट्री बॉक्स हो रहा है ओपन। तो भाई यहाँ पर आप देखो भाई मोनू के थोड़े कम निकले हैं, केवल 2 वेफर्स निकले हैं। ओए कैसे 24 घंटे बिताएगा तू? और ये एक पानी की बोतल, चलो पानी की बोतल तो गाइस इसके पास भी 1 लीटर है, इसके पास में भी 1 लीटर है, लेकिन भाई ये देखो बस 2 वेफर्स और 1 बिस्किट। और ये क्या यार, ये गाइस एक चॉकलेट निकली है, ये ले। और अब आ रही है गाइस दिनेश की, देखते हैं कि इसके मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकलता है।
ओ भाई देखो किस तरीके से फाड़ रहा है ये। तो भाई वो जुड़की मेरे तो बहुत सारे निकले हैं भाई, तुम दोनों से ज्यादा है मेरे। यहाँ पे आप देखो भाई कितने सारे वेफर्स निकले हो गया जुगाड़ भाई, बहुत सारे वेफर्स और बहुत सारी चॉकलेट निकली है इसके। और अब आ रही है मेरे वाले मिस्ट्री बॉक्स की। ओए छीनो मत यार, ओए छीनो मत, ओए किशोर छीन नहीं, वापस वापस वापस, ये ले इसका वाला ले ले। गाइस चीटिंग यहाँ पर कोई भी नहीं करेगा। और अब आ रही है मेरे वाले मिस्ट्री बॉक्स की, देखते हैं मेरे वाले मिस्ट्री बॉक्स में क्या क्या निकलता है। भाई मेरा तो फुल भरा हुआ है। ओ गाइस वेफर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो पानी की बोतल, ओ रसगुल्ले, रसगुल्ले निकले गाइस, रसगुल्ले भी निकले। देखो आराम से मैं सरवाइव करूंगा मैं तो। वापस एक वेफर, वापस वेफर, वापस वेफर भाई, और वेफर। यहाँ पर देखो भाई कप नूडल्स निकले, ये देखो ये आराम से मैं खा सकता हूँ और सर्वाइव कर सकता हूँ। इसके अलावा ये बिस्किट, ये 10 रुपए वाली किटकैट और ये जीरा बोतल। भाई कितनी सारी चीजें निकल गई, मैं तो आराम से 24 घंटे सर्वाइव कर लूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यार पानी पीऊंगा, प्यास लगने लग गई भाई। और हमारे को गाइस 2 घंटे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं इस चैलेंज के अंदर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो सूरज है वो दोस्तों डूब चुका है, और जो अपना ट्रैक्टर है वो दोस्तों खड़ा हुआ है हाईवे के ऊपर। देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां चल रही है और यहाँ पे अपना ट्रैक्टर मस्त खड़ा हुआ है, और जो ठंड है ना वो भी भाई लगातार बढ़ती जा रही है। ओए कंबल वगैरह तो लेके आए ना, दो कंबल है। तो गाइस नाइट में तो जुगाड़ हो जाएगा, वरना भाई ठिठुर जाएंगे हम। ओए सुनो ना यार, लाइटिंग जलाते इसकी लाइटिंग। हाँ 1 2 3 का 2 3 गाइस देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इस ट्रांसपेरेंट हाउस को लेके जाएंगे मार्केट में भाई। और भाई ये तबाही मचा देगा तबाही। यहाँ पे आप देखो इसका लुक, लुक तो देखो आप एक बार, कितना तगड़ा लुक आ रहा है देखो भाई, एक नंबर लग रहा है यार, गजब। भाई मार्केट में लेके चलते हैं गाइस, मार्केट में लेके जाएंगे और फिर हम देखेंगे लोगों के रिएक्शन। भाई ये है ट्रांसपेरेंट हाउस, देखते हैं कि यार लोगों के कैसे रिएक्शन होते हैं इसको देखने के बाद। ओए एलईडी हिल रही है, ओए गिर जाएगी ये भाई। ट्रैक्टर है ना फुल स्पीड में चल रहा है, और अब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं कि यार कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाकी मजा आने वाला भाई, मजा आएगा, एक नंबर देख लेना भाई, गजब मजा आएगा। यहाँ पे आप देखो भाई जो बाहर से लुक है ना वो दोस्तों एक नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है यार बाहर से, मजा आ गया वाकई में यार, गजब लग रहा है ना यार, एक नंबर भाई। ओ यार अमेजिंग, ये हाँ छोड़ दो, क्या बोला तूने गाइस। यहाँ पे आप देखो किशोर और मनु डांस कर रहे हैं। ओ भाई साहब देखो 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 गाइस, यहाँ पे आप देखो ये अफ्रीकन डांस कर रहे हैं। ओ ये मनु मनु के मार दी किशोर ने, ये लड़ाई हो गई इनकी स्टार्ट ये लड़ाई स्टार्ट हो गई। अरे ओए बाहर जाओ यार, तुम लड़ाई बाहर करो। ओए यहाँ पे आप देखो हमारी वीडियो बन रही है भाई, मैं पागल हूँ भाई। यहाँ पर है ना जो पीछे ट्रक वाले वो हमारी वीडियो बना रहे हैं भाई साहब, गजब सीन हो रहा है यार गजब। यहाँ पर देखो किशोर पागलपंती कर रहा है, एक बार आ जा 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 जा। तो गाइस अभी है ना हम टोल के पास से निकल रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि यार हमारे को कैसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो हमारे पीछे भी एक ट्रक है जो कि अपना टोल कटवाने के लिए आया हुआ है, और इस साइड में देखो भाई कितनी सारी पब्लिक है भाई, लोग देख रहे हैं हमारे को। हमारा ट्रैक्टर तो फ्री है ना, टोल फ्री है ना हमारा ट्रैक्टर, मेरा नाम ले लियो टोल पे। अच्छा तो गाइस जो फार्मर्स के ट्रैक्टर होते हैं ना वो दोस्तों टोल फ्री होते हैं, तो यार हमारा तो टोल नहीं कटने वाला, हमारे को तो फ्री में निकलना है। और यहाँ पे है ना गाइस अभी हम रिएक्शन देखने वाले हैं टोल वाले के, कि यार टोल वाले के कैसे रिएक्शन होते हैं। कैसा लग रहा है अंकल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम ले रहे हैं मावा, हाँ सोखा कर दो जल्दी दे दो। हवा कान को लाग रही हो, वो घर कान को लाग रही हो, बढ़िया लाग रही है, बढ़िया लाग रही हो। ओके देखो भाई 100 रुपए का इतना सा दिया, लेकिन जो टेस्ट है ना वो एक नंबर है भाई। कैसा लगा भैया? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा मजा आ गया भाई, इन सबको अच्छा लगा है भाई, पब्लिक देख रही है वेंचर वाली। और अभी तो हम और भी ज्यादा बीच में जाने वाले हैं भाई, मस्त वाले रिएक्शन अपने को देखने को मिलने वाला है, चलने दे चलने दे। Yeah.
myself. Okay, dream so big that it think I'm crazy. Let out the beast, no, they can't tame it. Don't play with me, better mind your business. I cannot stop now, I ain't finished. I'ma keep on going till I got that. गाइस जी आ चुके हैं अपने रसगुल्ले। ओए मेरे मुझे तो खाने दो बे। ओ यार मैंने छीना छीनी नहीं की, मेरे को दे। बस तो यार मजा आ गया यार। तो मेरे को दे दो दो खा गया। अरे भाई एक ही खाए यार मैंने। इज्जत से ले लो चुपचाप। ये मैंने ठीक है ना भाई। मम्मी कसम भूखा हूँ यार भाई। मम्मी कसम खा गया देखो। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। क्या बे गाइस कैसे खा रहे यार, मुझे तो खाने दो। ये लास्ट है ना, ठीक है गाइस। ये वापस लड़ने लग गए, खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं गाइस। ये लड़े ओ भाई अरे मत लड़ो गाइस, हमेशा की तरह लड़ते हैं। देखो भाई इन दोनों की लड़ाई बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों भाई, इतनी गंदी तरीके से लड़ाई करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर आप देखो, इसके शर्ट के बटन टूट चुके हैं यहाँ पर भाई। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो शर्ट की हालत, इसने क्या कर दी, दो टुकड़ों में कर दिया इस शर्ट को। देखो ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। भाई क्यों लड़ते हो तुम इतना, ये बताना क्यों लड़ते हो? दोनों भाई होकर भी लड़ते हो फालतू में। सफाई के लिए काम आएगा भी। भाई इतने पागल आदमी है भाई, ये दिन भर लड़ते ही रहता है। आपको लगता होगा कि ये मजाक करते हैं, नहीं भाई सीरियस में लड़ते ही है। और हम इनसे परेशान हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से है ना इनकी फाइट हम रुकवाते हैं भाई। बाकी गाइज हम है ना इस ट्रांसपेरेंट होम को अभी लेके जा रहे हैं अपने स्टूडियो, वहां पर इसको पार्क करेंगे और वहां पर ही नाइट स्पेंड करेंगे। फाइनली गाइज हम स्टूडियो आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर ही सोने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो भाई खाने का हमने क्या जुगाड़ किया है। ये जो नूडल्स है ना, ये वाले नूडल्स मेरे निकले थे, यानी कि मेरे वाले मिस्ट्री बॉक्स में निकले थे, और ये वाले नूडल्स इसके वाले मिस्ट्री बॉक्स में निकले थे। लेकिन हमारा पानी गाइस खत्म हो गया, तो हमने ये प्लानिंग की है कि हम इनको नूडल्स खिला देंगे और बदले में ये हमारे को पानी देंगे नूडल्स बनाने के लिए। ठीक है डील डन? डन है एकदम। तो गाइज हम मिल बांट के यहाँ पर नूडल्स खाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बाहर का खाना बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, जो हमारे मिस्ट्री बॉक्स में निकला था बस वही खाएंगे और उसी से सर्वाइव करेंगे। गाइज फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपना पानी है वो दोस्तों फुल्ली गर्म हो चुका है, और अब कप नूडल्स के अंदर हम डालने वाले हैं पानी। भाई केवल हमारे पास में ये दो छोटे छोटे से कप नूडल्स है और इसी से आज हमें सरवाइव करना है। गाइस देखो इसने कितना सारा पानी डाल दिया इसके अंदर। भाई मेरे कप नूडल्स खराब कर दिए इसने। अरे यार मैं सोचा वो घर पे डालते वैसे पानी उबल जाएगा, लेकिन उबला ही नहीं। अपने दोनों के कप नूडल्स खराब। भाई इनके तो कुछ भी नहीं निकला, इनकी किस्मत तो खराब थी, कुछ भी नहीं निकला इनके तो। और हमारे अच्छी अच्छी चीजें निकली, लेकिन देखो दोनों के दोनों भूखे इसको लेके बैठ चुके हैं। तुम भी तो लालची हो भैया, ये खाने पे लग गया। तुम भी तो लालची हो भाई, पानी चाहिए तुम्हें भी। हमने पानी दिया तो बनी है ना कि ये। तो भाई तुमने इसको भी तो बिगाड़ दिया, कोई मतलब नहीं रखा इसका भी तो। भाई जब भाई ये बात सही है कि हमारा पानी खत्म हो गया था और हमने इन लोगों से पानी लिया तब जाके ये हमारे कप नूडल बने, लेकिन भाई बनने के बाद नहीं बिगाड़ दिया तुमने तो। भाई किशोर बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको कब नूडल्स दिए नूडल्स बनाने के लिए, ठीक है ना, और इसने क्या किया उसके अंदर दबा के पानी डाल दिया और नूडल्स खराब कर दिया। और मोनू भी नहीं खा रहा है नूडल्स को, मैं भी नहीं खा रहा हूँ और ये भी नहीं खा रहा है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे आप देखो किशोर कितने मजे से खा रहा है, क्योंकि इसको चैलेंज कंटिन्यू करना है और इसने ये आइडिया लगा लिया। भाई साहब तो कितना गंदा है भाई यार, हमको तो खाने देता थोड़ा सा तो अच्छा बनाता है इनको। खा लो, कौन मना कर रहा है आप। पानी डाल रखा है दबा के इस पानी को, कुछ ज्यादा नहीं करना भाई इतने खराब कर दिए नूडल्स को और खुद खा रहा है भाई पेट भर के। भाई चैलेंज पूरा करना मेरे को तो। अरे चैलेंज तो हमें भी पूरा करना है, हमारे क्यों नूडल्स खराब किए तूने? तेरे मिस्ट्री बॉक्स में निकला तो है नहीं, दो कुरकुरे खिला दिए बस, एक पानी की बोतल दे दी, बिस्किट दे दिया, इज्जत और गवा दी मेरी, कपड़े फटा दिए यहाँ बुला के। चैलेंज है क्या है ये भाई? मोनो की बैंक की हालत खराब हो रही है यार, इसको देखो। अरे सोगले गाइस अब थैलियां चाट रहा है, बहुत गंदा है ये भाई है ना। कप नूडल्स पूरे दोनों खाली कर दिए मैंने, खाए जा रहे हैं बस भाई, खाए जा रहा है और कप नूडल्स तो दोनों खाली कर दिए इसने। और यहाँ पे भाई मोनू को गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसको खाने के लिए नहीं मिला। दो कुरकुरे 24 मिनट में खत्म कर दूं मैं तो, 24 घंटे के लिए बोल दिया, क्या करूँ उसका मैं। अब तेरी किस्मत ही खराब थी, तेरे वाले मिस्ट्री बॉक्स में निकले दो कुरकुरे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये बता। अपना तो काम हो गया गाइस, पेट फुल, अब ये तब रात को सोएंगे, मुझे तो भूख लग रही है। और सबसे पहले ये सारे सोने के बाद में गाइस मैं करने वाला हूँ सुसु, फिर मैं सोने वाला हूँ।
मेरे को तो मजा आ गया गाइस, इनको बेवकूफ बना के इनको बोला अच्छी नहीं बनी है, एक नंबर टेस्ट बना था गाइस। कहां पे पानी डाल रखा था हमने, टेस्ट कर रखी थी, सबसे बकवास थी। अब जो भी था वो तो पेट में गया सुबह की सुबह। बाहर में जाओ गाइस, बाहर तो निकल गए। अगर गाइस इस चैलेंज को कोई भी तोड़ के बाहर निकला ना, गद्दे पे बिठाएंगे। निकल मत जाना कोई बाहर, तो नहीं निकलूंगा, निकल मत जाना, निकलूंगा मेरा तो काम हो गया। भूख लगी, भूख तो लग नहीं रही मेरे को, पेट भर लिया साले कुत्ते। गाइस तुम तीनों देख लो अब तुम्हारे हिसाब से। भाई मैं तो नहीं निकलूंगा भाई, मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मोनू इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया भाई। इसका चेहरा देखो यार, इसके चेहरे से पता चल रहा है कि कितनी भयंकर वाली भूख लग रही है इसको, भयंकर वाली। भाई रात के 12 बजने वाली है और यहाँ पे आप देखो भाई, वो तीनों तो सो चुके हैं। मुझे लग रही थी सूसू, तो यहाँ पे मैं बाहर आ गया। बाकी भूख लग रही है भयंकर वाली यार, यहाँ पे कुछ खाना वगैरह ढूंढता हूँ। मेरा खाना तो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा खत्म भाई। सबसे ज़्यादा खाना मेरे पास में था, लेकिन मैंने सारा बांट दिया इन लोगों में, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और जो नूडल्स है वो इतने बकवास थे कि मेरा खाने का मन नहीं किया। ये किसका है भाई बिस्किट? भाई पता नहीं ये किसके बिस्किट है, बेचारे ने मॉर्निंग में बचा के रखे होंगे कि वो सुबह होते ही ब्रेकफास्ट कर लेगा, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट मैं नाइट में कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो पूरे खत्म हो जाएंगे, बुरी तरीके से लड़ने वाला है यार, पता नहीं कौन होगा, मुझे नहीं पता किसके है ये, पूरा खा लूंगा मैं तो। गुड नाइट दोस्तों। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और एक बार आप बाहर का व्यू देखो, सुबह सुबह देखो गाइस, ऐसे रहता है हमारे इधर खेतों के अंदर हरियाली चारों तरफ, और ये तीनों यहाँ पर सो रहे हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ ये सो रहे तब तक मैं ये कर लेता हूँ सुसु, और ट्रैक्टर का ड्राइवर भी नहीं है आप देख सकते हो, ट्रैक्टर हमारे स्टूडियो पे खड़ा है, इनको सोने देता हूँ। चलो मैं तो अपना काम करता हूँ, मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ फटाफट से, नहीं तो ये भी उठ गए ना तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। गाइस मैं नीचे तो नहीं उतरूँगा, बस यहीं साइड में खड़ा होकर करूँगा। भाई कमर दर्द करने लगी गाइस यार, उस सोफे पर नींद नहीं आई अच्छे से, छोटा सा तो था वो। चलो मिलता हूँ आपसे ये करने के बाद। ओए उठो, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। ओ पागलो देखो गाइस कितनी टाइट रजाई पकड़ के सो रहे, तीनों को तीनों एक ही रजाई में सो रहे थे, मैं तो ऊपर सो रहा था मेरी रजाई में। उठो भाई, ये देखो मोनू तो देखो क्या करके सो रहा है, उठो रे भाई। और यार मेरा बिस्किट नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, मेरा बिस्किट किसने खाया रे? मुझे क्या पता तेरा बिस्किट का। यार मैंने यहाँ रख के सोया था मैं, पानी की बोतल और दोनों। सुबह सुबह सर मत खाया यार, फालतू में तेरे पास में कौन सा बिस्किट था भिखारी? ओ पड़ा था मेरे साथ में, मेरे एक बिस्किट खुला था, मैंने बचाया था उसको, मेरे को पता है। भाई मुझे भी पानी पिलाओ ना यार, मेरे पास में पानी की बोतल भी नहीं है। भाई मेरी तो पानी की बोतल भी खाली कर दी, बिस्किट भी खा गए गाइस यार। थैंक यू गाइस, मोनू भाई मेरा प्यारा भाई है, यहाँ पे आप देखो मुझे पानी पिला रहा है। अंडी मंडी संडी, जिसने भी मेरा बिस्किट खाया, क्या ये फालतू फालतू काम कर रहा है? नहीं बताओ पहले मेरे को गाइस, यहाँ पे गालियाँ नहीं चलती है, बता तुझे गालियाँ फालतू की चीजें का मत कर यार। मेरे को पता था, अच्छा बेटा रहे इसके अंदर। किसने खाया गाइस? किसने खाया? किसने खाया? ये दो तो नहीं बोले, तू क्यों बोला? गाली बोलना अच्छी बात है, किसने खाया मेरा बिस्किट? हमारी वीडियो पता है कितने प्यारे प्यारे बच्चे देखते हैं, उठे वो बिगड़ेंगे नहीं। तो बिस्कुट गया, तुम ये शिक्षा दे दो चोर चोर चुरा चुरा के बिस्किट खाने का। भाई इसका बिस्किट तो खा गए और यहाँ पे थैली चाट रहा है वापस। अरे तेरा अभी तक पेट नहीं भरा यार, दोनों है ना कप नूडल्स तूने खाए थे, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। मेरे कम खुले थे कुरकुरे, तुम्हारे ज्यादा खुले थे। अरे भाई बहुत सारे खाए थे तूने। बहुत सारे कहाँ से खाए? गाइस सबसे ज्यादा रसगुल्ले भी इसने खाए थे, वेफर्स भी इसने खाए थे चुरा चुरा के, और यहाँ पर भाई मुझे भूख लग रही है, और इसको तो सबसे ज्यादा वाली भूख लग रही होगी। तो भाई अंदर तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो यार मैं और किशोर जाएंगे आगे ट्रैक्टर पर, और फिर ट्रैक्टर को चलाने वाले है। ओए नीचे नहीं उतरना, ठीक है ना, ढंग से जाना। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना तगड़ा वाला चैलेंज मिला है हमारे को, नीचे नहीं उतरना है और आगे जाना है भाई, और अगर मैं यहाँ से गिर गया तो यार गधे के ऊपर बैठना होगा मुझे। ओए क्या यार उधर जा रहा तू, ओए मान जा, मोनू नहीं, मोनू नहीं, पागल है क्या? ओए गाइस मेरे हाथों में मारी यार, घुसते मार दिए मुझे। ये तो निकल गया भाई, मैं कैसे जाऊं यार? भाई वो तो निकल गया वहां पे, आप देख सकते हो मैं नहीं निकल पाया। आ रहा हूँ रुक जा, आ रहा हूँ मैं। ओए मोनू मान जा यार, मार मत, मैंने तुझे गुलाब जामुन खिलाए थे ना, और रसगुल्ले थे वो, गुलाब जामुन नहीं रसगुल्ले थे क्या? खिलाए तो थे ना, कुछ ना कुछ तो खिलाया था मैंने। ओए इनको रोक दे यार, मैं मार रहा है अंगूठे पर। ये ले भाग गया मैं, बाहर में जा।
और ये फटेगा नहीं क्या? इसके ऊपर चढ़ना एक बार, मजबूत तो है, इसके ऊपर चढ़ना एक बार। गाइस यहाँ पे देखो किशोर है ना अपने ट्रांसपेरेंट हाउस के ऊपर चढ़ रहा है, देखते हैं कि ये कितना मजबूत है भैया। मजबूत तो है यार ये, इसके ऊपर बैठ जा, इसके ऊपर बैठ एक बार, नीचे नहीं जा रहा है। ये आगे आ जा, आगे आ जा, ट्रैक्टर चलाते हो। तो गाइस हमारा ट्रैक्टर है वो स्टार्ट हो चुका है, चलने दे, भगा भगा, झटके दे झटके। भाई 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 खतरनाक वाले झटके आ रहे होंगे यार उनको। ओयो सुन सुन सुन, बंद कर बंद कर बंद कर। हम क्या करने वाले हैं, इस पाइप को लगाने वाले हैं। ये दोस्तों हाइड्रोलिक मशीन की पाइप है, जैसे ही हम इस पाइप को लगा देंगे और अंदर से जो लीवर है उसको ऑन कर देंगे, भाई जो ये ट्रॉली है ना वो ऊपर होने वाली है और वो नीचे जाने वाले हैं नीचे। गाइस यहाँ पे आप देखो हमने हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट कर दी है और अब वो नीचे गिरने वाले हैं। ऊपर जाने दे, ऊपर जाने दे भाई, और ऊपर कर, नीचे जाओ जल्दी, नीचे जाओ। ओ भाई साहब, ओए नीचे कर दे। हाँ मोनू हार मान गया, नीचे कर दे। भाई मेरे साथ चीटिंग हुई ना, सब हार मानेंगे, सबका नंबर है। क्या तू भी आ? क्या भाई, ए भाई क्या है, क्या नहीं क्या भाई, ये लड़ रहे हैं बाहर, सब नीचे आएंगे अब। वो आ रहे हैं गाइस, मोनू के साथ भी बड़ा ही बुरा हुआ। मोनू अब गधे के ऊपर बैठने वाला है क्योंकि हम सब तो ट्रांसपेरेंट होम के अंदर है और मोनू नीचे उतर गया था और अभी तक किशोर भी नीचे नहीं उतरा है। किशोर देखो भाई ऊपर है, ऊपर किशोर ऊपर चढ़ गया। गाइस यहाँ पे आप देखो किशोर भी ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर आ रहा है क्योंकि मोनू ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। ये भी अंदर आ गया। मोनू रुक जा, अरे हम निकल रहे बाहर, ओए निकल रहे, हम ओए बाहर आ रहे हैं, ओए ओ भाई साहब तो उड़ जाएगा ये पूरा का पूरा। ओए मोनू रुक जा, ओए हान, ओए शान, ओए जानवर, ओ भाई साहब, ओए अरे ये टूट गया, अरे गधे में बैठना पड़ेगा पागल, बाहर मत जा, गधे में बैठना पड़ेगा। पहले वो निकला ना तो वो अकेला नहीं हो जाएगा गधे पे, अरे गधे में बैठना पड़ेगा पागल। अरे अंदर रह जाना, सरवाइव कर ले, वो रुक जाएगा थोड़ी देर में। स्टीयरिंग पे बैठा, मेरे को डर लग रहा है यार। भाई मत निकल बाहर, अरे मोनू ने गिरा दिया इसको। ओए मोनू, उन दोनों ने अपन को बाहर निकाल दिया, अपन को गधे पे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं, उनको भी निकालना है बाहर। क्या बाहर चारों निकलेंगे फिर तो? हाँ बाहर चारों निकलेंगे, ला जा उनको, निकालते हैं निकालते हैं। एक काम कर, पॉलीथिन में आग लगा दे। पॉलीथिन में आग तो यार अंदर सामान भी पड़ा है, पकड़ पकड़ के खींचते हैं ना, आ जाना यार। अरे दो लात दूंगा, बाहर आ जाएंगे अभी सर। ये हुआ इसका चीर हरण, निकाल पकड़ लो। ये कौनसा गाइस भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ओए किशोर रुक जा, उसको मार, उसको वो गेम के पास भाई मेरे को बच्चों निकाल ले यार, ला रहे यार किशोर। ओए लंजे भैया मेरा, अरे मोनू आ जा। ओए ये कहाँ से बाहर आ रहे हैं यार, फाड़ फाड़ के इसको। किशोर यार मैंने पूछे बाहर निकाला क्या, ये चीटिंग है भाई। गधे पे सब बैठेंगे भाई, क्यों बैठेंगे गधे पे सब? ओ भाई गधे पे क्यों बैठेंगे भाई सब? भाई मैं मोनू कहाँ से बाहर निकाले, गिर निकाल निकाल, ओए गिर जाऊंगा मैं, गिर जाऊंगा। अब इसको भी निकालो। अरे भाई मेरे को नहीं भाई यार, निकाल निकाल, छोड़ दो एक बार छोड़ दो भाई। अरे ये फर्स्ट वाला चैलेंज है, एक तो पूरा करने दो। अरे भाई छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा। गाइस इसका फर्स्ट चैलेंज है इसलिए छोड़ रहे हैं इसको, अपना चैलेंज कंटिन्यू करने दो। आपकी बात था गधे पे, मैंने तो ये आ गया बाहर, आपकी बात मुझे माफ कर दिया, अगली बार तू भी गया। भाई यहाँ पे बहुत बुरा हुआ, फाइनली कितना टाइम बाकी है चैलेंज खत्म होने में? तो दो घंटे बाकी है चैलेंज खत्म होने में, तो इसको भी बाहर निकालते हैं यार। नहीं यार भाई यार, एक फर्स्ट चैलेंज तो है, मेरे को करने दो कंटिन्यू। चलो ठीक है गाइस, इसका है ये फर्स्ट चैलेंज, तो इसके साथ में चीटिंग नहीं करेंगे। बाकी चल जा, हम तीनों ने एक दूसरे को बाहर निकाल दिया है। ये भी गधे पे बैठने वाला है, ये भी गधे पे बैठने वाला है, ये मजा सब गधे पे बैठेंगे, सब मजा आएगा। अच्छा मैं भी बैठूंगा क्या? तो अच्छा मुझे गधे पे बैठने वाले हैं,
ओ यार क्या बेइज्जती होगी बैंकर वाली। अरे बरात निकलेगी अपनी, सेहरा बांध के बैठूंगा मैं तो। तड़ 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 इज्जती नहीं, क्या बेइज्जती होगी। सब वहां का आया हूं मैं। ये तो सही बोला भाई बोनू ने। तो फाइनली गाइस मेरा चैलेंज हो चुका है पूरा, और मेरी मेहनत के लिए करें वीडियो को लाइक, और मैं जा रहा हूं बाहर। और गाइस हम चैलेंज हार चुके हैं, और अब हमारे को सजा ये मिली है कि हमें इस गधे के ऊपर बैठना है। तो तैयार हो? यस। सबसे पहले कौन बैठेगा गाइस? सबसे पहले बैठेगा मोनू। तो यहाँ पर इसकी फोटोज भी हम लेने वाले, देखते हैं कि यार मोनू कैसा लगता है गधे पे बैठा हुआ। मोनू बैठ जा। ओए 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 गिर जाएगा। अरे उतर जा उतर जा उतर जा बेचारे को। हाँ हो गया हो गया, तेरे अंदर वजन है, उतर जा तू, उतर जा, बेचारे को परेशान मत कर, उतर जा तू। गाइस हाँ हाँ तेरा हो गया गाइस, ये गेंडा इसके अंदर काफी ज्यादा वजन है, बेचारे को मार देगा। अब बैठ रहा है किशोर यहाँ पर गधे पर। ओए पब्लिक आ रही है, अब तेरी बेइज्जती होगी देखना। अब तेरी बेइज्जती होगी भाई, अब तेरी बेइज्जती होगी यहाँ पर। चलो हो गया मेरा भी। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बैठ चुका है गधे के ऊपर। इसको मार्केट में लेके चलेंगे। और इसके ऊपर लोग हंस रहे हैं यार बुरी तरीके से। तो फाइनली गाइस किशोर भी बैठ चुका है गधे के ऊपर, और अब आ रही है मेरी। अब मैं बैठने वाला हूँ गधे पर। गाइस फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ मैं गधे के ऊपर। गाइस यहाँ पे आप देखो मेरी शक्ल भी मैच हो रही है, मैं इसको किस ही करूंगा। हाय हाय इतना सुकून। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपका भाई अभी गधे पे बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। मैं इसको चलाऊं ये भाग जाएगा। ओए ओए मारना मत, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ओए ये बेचारा शांत है गाइस, काफी ज्यादा शांत है। इसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। इसकी गर्लफ्रेंड तो तू है ना गाइस? मोनू गर्लफ्रेंड ये रही। मोनू मोनू ये रही गाइस इसकी गर्लफ्रेंड। और वीडियो आपको कैसी लगी यार? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना, वीडियो आपको करना लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। यहां पे आप देखो भाई हमने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है भाई। गधे में बैठ गए हम तीनों के तीनों, और लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं पूरी तरीके से।